तो DTDC वाला तो मुझे डिलीवरी दिया नहीं, तो धोनी फार्मेसी के जो कस्टमर केयर में बात किया तो वो लोग बताया कि आपका अगर ड्यू रहेगा तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं करते हो टाइम से तो आपको उसके लिए लेट फी भी देना पड़ेगा। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, फिर से एक नया वीडियो आप सबके सामने लेके आ गया हूँ। आज फिर से बात करने वाले हैं DTDC कोरियर के बारे में। जो मेरा एक ऑर्डर था जो धोनी फार्मेसी की तरफ से आने वाला था, जो 6 जुलाई को ऑर्डर बुक किया गया था, और वो सिलीगुड़ी ब्रांच DTDC कोरियर का सिलीगुड़ी ब्रांच में आके 11 तारीख को रुक गया, और 11 तारीख को ही वो लोग जो है डिलीवरी फेल दिखा दिया। डिलीवरी ना मेरे पास कॉल आया, ना मैसेज आया, ना कुछ आया DTDC कोरियर की तरफ से, वो लोग वहाँ से कैंसिल कर दे। कैसे कैंसिल हुआ मुझे तो पता नहीं। फिर मैंने 12 तारीख को जो है सिलीगुड़ी ब्रांच में जाके विजिट किया, और मैंने उसके मेरे पार्सल के बारे में पता किया, तो वो लोग बताया कि आपका जो पार्सल है वो सिलीगुड़ी से 11 तारीख को ही कैंसिल होके डिलीवरी फेल होके निकल गया, और वो माटीगारा ब्रांच में जाके वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप वहाँ से जाके पिकअप कर लो। ये कोई मतलब का बात हुआ कि सिलीगुड़ी ब्रांच में जाके मैंने खुद ही 11 तारीख को मैंने देखा कि 11 तारीख को मेरा पार्सल वहाँ पे आया, फिर वहाँ से 11 तारीख को ही वो लोग रिटर्न कर देता है माटीगारा ब्रांच, और माटीगारा ब्रांच से मुझे पिकअप करने के लिए, वहाँ से कलेक्ट करने के लिए वो लोग बोल रहा था। तो मैंने तो वहाँ पे गया नहीं, वहाँ का नंबर दिया, मैंने फिर फ़ोन किया, लेकिन वो लोग डिलीवरी दे सकता था मुझे, लेकिन वो लोग दिया नहीं। क्यों नहीं दिया, यही तो सवाल है, क्यों नहीं दिया। फिर 11 तारीख को जैसे वो लोग कैंसिल हुआ, मैंने 12 तारीख को वहाँ पर जा कर उसको पिकअप करने के लिए गया था लेने के लिए, लेकिन सिलीगुड़ी ब्रांच मुझे वो पार्सल नहीं दे पाया। उसके बाद मैंने मेरे बगल में जो फ्रेंचाइज वाले हैं, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर फ्रेंचाइज वाले हैं, लेकिन उसको भी पता नहीं है कि इसका पार्सल उसके पास आता नहीं है। सिलीगुड़ी ब्रांच जो मेन ब्रांच है सिलीगुड़ी DTDC का, वहाँ से कोई पार्सल वो लोग के पास नहीं आ रहा था। तो मेरा जो है पिछला वीडियो, मैंने पहले जो वीडियो बनाया वो उसका क्वालिटी कोड आप देख सकते हैं इसी वीडियो की लिस्ट में। आप DTDC कोरियर के बारे में मैंने वीडियो बनाया, वहाँ पर आप देख सकते हो। फिर क्या हुआ, 11 तारीख, उसके 12 तारीख तो कुछ नहीं मिला, ना कॉल आया, ना कोई मैसेज आया, ना कुछ आया। अचानक से मुझे 11 से एक बार में 26 जुलाई को मुझे एक नोटिफिकेशन मैसेज आता है DTDC कोरियर की तरफ से, और धोनी फार्मेसी की तरफ से भी आता है। उस नोटिफिकेशन में आता है कि आपका जो पार्सल है वो आउट फॉर डिलीवरी के लिए जो है वो निकल गया है। और फिर 10 से 15 मिनट बाद वो लोग ऐसा दिखा रहा है, इसमें मैंने लिख लिया, इसमें आउट फॉर डिलीवरी दिखा दिया 26 तारीख को। उसके बाद 26 तारीख को ही एरिया नॉट सर्विसेबल बोल के लोग मैसेज दे दिया, 15 से 20 मिनट बाद, 10 से 15 20 मिनट जो है उसके बाद ये लोग नोटिफिकेशन दे दिया। उसके बाद 27 तारीख को फिर 26, उसके बाद नेक्स्ट डे 27 तारीख को ये लोग क्या किया, 27 तारीख को मिस रूट बता रहा है, जो मेरा जो पार्सल है वो गलत रास्ता से मैं गलत जगह आ गया, ऐसा कुछ। मिस रूट का मतलब क्या होता है, वो होता है कि दूसरा जगह चला गया। और फिर जो है 28 तारीख को फिर से सिलीगुड़ी ब्रांच में आके ये प्रोडक्ट जो है सिलीगुड़ी ब्रांच में दिखा रहा है, सिलीगुड़ी ब्रांच में, यहाँ पे फिर सिलीगुड़ी ब्रांच बता रहा है कि ये मिस रूट है। और उसके बाद 28 तारीख को ये लोग सिलीगुड़ी ब्रांच वही दिखा रहा है मिस रूट। और आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज जो है आज हो गया 31 जुलाई, आज हो गया 31 जुलाई, मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। और मैंने धोनी फार्मेसी में उसमें बात भी किया, तो उन लोगों से जो बातचीत से पता चला कि मेरा जो पार्सल है वो तो मैंने एक 3 मंथ EMI की उस हिसाब से लिया था, लेकिन मेरा फर्स्ट EMI जो मैंने पे कर दिया, और मेरा जो सेकंड EMI 5 या 6 तारीख को उसका EMI ड्यू डेट होगा, तो आने वाला टाइम में। तो मैंने बताया कि क्या मेरा तो प्रोडक्ट अभी तक डिलीवरी नहीं हुआ, तो क्या मुझे इसका जो EMI है क्या मुझे पे करना पड़ेगा। तो वो लोग बताया कि अगर आपको ड्यू रहेगा तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप पे नहीं करते हो तो आपको इसके लिए जो है लेट फी का जो है लेट फी आपको देना पड़ेगा। अगर जो पार्सल मैंने ऑर्डर किया, जो प्रोडक्ट मैंने धोनी से ऑर्डर किया, वो लोग DTDC कोरियर के जरिए मुझे भेजा, लेकिन वो पार्सल मुझे अभी तक रिसीव नहीं हुआ, और उसका EMI डेट जब आएगा तो EMI भी आपको पे करना पड़ेगा। तो सोचिए दोस्तों, अगर आप धोनी से कोई प्रोडक्ट का कोई सामान खरीदते हो, तो अगर वो DTDC कोरियर के जरिए भेजता है, अगर वो पार्सल आपको नहीं मिलता है तो भी आपका जो है ड्यू पेमेंट आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज आपका जो है लेट फी आपको पे करना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिविल डाउन करेगा फिर धोनी वाले। यही है ये लोग का जो है
यहीं पे खेल है ये लोग का कि आपका सामान भी नहीं मिलेगा, फिर आपका सिविल भी डाउन होगा। और सोचिए फिर दोस्तों आगे आपको जो करना है क्या नहीं करना है आप क्लिक कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग शेयर कीजिए। और आज का वीडियो भी होता है समाप्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।